बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे से भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया था उसमें डमरू में एक जगह 9 बार और एक जगह 5 बार की आवाज आई थी, तो कुल मिला के 9 और 5 14 होते हैं। तो 14 वहां से ध्वनियां आई थी, 14 प्रकार के एक सूत्र बनकर आया था, उसे हम माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। जो ध्वनि आई थी डमरू से वो कुछ इस प्रकार थी, वो 14 सूत्र इस प्रकार है। कहा जाता है आपने यदि इसको अच्छे से पढ़ लिया, आपने इसको यदि शुद्ध से उच्चारण कर लिया, तो विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है से जिसे आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता है, ये एक विज्ञान ही है, क्योंकि विज्ञान एक तथ्यों पर आधारित होता है। उसी प्रकार ये ध्वनियां आई और पूरा व्याकरण इसी पे आधारित है, क्योंकि एक-एक वर्ण जो हम अ से लेके ज्ञ तक पढ़ते हैं सभी वर्ण यहीं से निकले हैं। हम लोग सीधे सोचते हैं शुरू से क ख ग ङ पढ़ते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचे हैं कि आया कहाँ से है, इसको लिखने वाले कौन हैं और इसके रचनाकार कौन हुए हैं। तो हम ये देखेंगे, हम इसका उच्चारण करते हैं, आप ध्यान से देखें। लिखा है अई उण ऋलृक ए ओं अई औच हयवरट लण यम गणनम झभय गडदश जबगडदश खप छ ठ चटतब कपय सससर हल। ठीक है, इसको हम एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसे इसको हम पढ़ सकते हैं, ऐ उण ऋल ऋक ए ओं ऐ औच हयवरट लड यम गण नम झभय गडदश जबगडदश खप छ ठ चटतब कपय सससर हल। तो ये एक वैज्ञानिकता है, और इसमें उच्चारण में हमें तालु, कंठ, दंत, नासिका इत्यादि जितने भी वाद्य यंत्र है इसमें सभी की सहायता ली जाती है। यदि कोई व्यक्ति तोतला है और यदि आप उसको ये पढ़ना सिखा दिए, तो मुझे लगता है वो इसको सीखते सीखते ही वो तोतलेपन की जो उसकी बीमारी है वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही वैज्ञानिकता पे टिका हुआ है, और इसी से व्याकरण की पूरी उत्पत्ति हुई है, और ये वर्णमाला है हमारा, और इसी से हम पूरा व्याकरण पढ़ते हैं, जानते हैं। यदि आपने इसको सीख लिया तो आप सोचिए आपने आधा व्याकरण तो ऐसे ही जान लिया। धन्यवाद।